केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान दौरे पर है। आज जैसलमेर के बीएसएफ ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट डाबला से अमित शाह तनोट मंदिर के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। आपको जानकारी दे दें, शाह तनोट मंदिर स्थल पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वे वहां से एयरफोर्स स्टेशन जैसलमेर पहुंचेंगे। यहां से जोधपुर एयरपोर्ट के लिए हवाई जहाज से प्रस्थान करेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश गज्जा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी योगेश, अमित शाह का दौरा है राजस्थान का, क्या कुछ अपडेट है अभी? जी मैं बताना चाहता हूं कि अमित शाह का ये जैसलमेर का दूसरी बार का दौरा है। वो कल शाम यहाँ जैसलमेर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बीएसएफ के हेडक्वार्टर में रात्रि विश्राम किया और आज सुबह वह अभी कुछ ही देर में वो जैसलमेर से तनोट माता मंदिर पहुंचेंगे। यहाँ पर वो दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगे और इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के डीजी पंकज सिंह व अन्य अधिकारी भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे और यहाँ से 1971 भारत पाक युद्ध में विजय स्तंभ पर शहीदों को फूल भेंट कर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। इसी के साथ ही जो अभी 18 करोड़ रुपए से जो पर्यटन के लिए विकास कार्य हुए हैं उनका शिलान्यास कर फिर यहाँ से बॉर्डर जाएंगे। वहां पर जवानों से मिलकर उनसे वहां के हालातों की जानकारी लेंगे और भारत पाक बॉर्डर पर जो अन्य विकास कार्य चल रहे हैं उनका जायजा लेंगे। जी आयुषी जी योगेश, साथ ही में अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से चर्चा की जाए तो अमित शाह का ये दौरा काफी अहम साबित हो सकता है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस पर? जी मैं बताना चाहता हूँ कि राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो भी यह दौरा बहुत अहम है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पे जो राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आने वाले थे लेकिन अमित शाह के दौरे के कारण उनका भी दौरा कैंसिल हो गया था और इसी वजह से अमित शाह का दौरा सिर्फ जोधपुर तक था और उन्होंने अचानक ही जैसलमेर का भी कार्यक्रम बनाया है और आज जब तनोट माता मंदिर से वो जोधपुर जाएंगे वहां पर ओबीसी मोर्चा और अन्य कई बैठकों में शिरकत कर आगामी चुनाव के बारे में भी चर्चा करेंगे। इस वजह से यह दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। जी योगेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।